हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। अभी हम हो ची मिन्ह सिटी में हैं। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ये बुर्ज खलीफा। आपको लगेगा ये बुर्ज खलीफा नहीं है, ये बुर्ज खलीफा हो ची मिन्ह है, जिसे लैंडमार्क 81 के नाम से जाना जाता है, जिसे बुर्ज खलीफा की तरह बनाया गया हुआ है। अभी हम वहाँ देखने आए हैं, तो चलिए देखते हैं ये बुर्ज खलीफा ऑफ वियतनाम। ये जो लैंडमार्क 81 आपका मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये सिर्फ हो ची मिन्ह सिटी का ही नहीं बल्कि पूरा वियतनाम का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है। वियतनाम का सबसे ऊंचा बिल्डिंग 81 फ्लोर का है। इसका नाम है लैंडमार्क 81। ये लैंडमार्क ग्रुप ने बनाया है। अभी हम इसका ऊपर जाने के लिए चलेंगे आगे से, तो चले इसका ऊपर चलते हैं। तो चले, ये इसका नीचे एज यूजल जहाँ हर लैंडमार्क का नीचे जैसे बना हुआ है, इसका नीचे भी मॉल टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे आपको सब पोस्ट बैंड वगैरह मिलेंगे। तो अभी हम पहले ऊपर जाने का देखते हैं, उसका बाद फिर देखा जाएगा क्या है नहीं है। ये देखिए, इसी का नीचे आइस स्केटिंग रिंग भी बना हुआ है। ये आपका लैंडमार्क 81 का नीचे ही, ये देखिए आइस स्केटिंग रिंग। यहाँ नीचे फूड कोर्ट वगैरह बना हुआ है, लेकिन ये जो लैंडमार्क 81 है, ये बहुत ही फेमस और पॉश टाइप का मॉल है, जहाँ आपको सब बढ़िया ब्रांड ही मिलेंगे और जो भी चीज़ है थोड़ा सा महंगा है, जैसे एज यूजल बड़े मॉल में होते हैं वैसे ही है। तो चलिए पहले हम लोग ऊपर जाने का देखते हैं, उसका बाद फिर हम लोग मॉल भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं स्काई व्यू की तरफ जा रहा हूँ, हमको टिकट मिल गया है। पर टिकट यहाँ पर पर्सन 3 लाख BND का है। ये गोलम भाई, अब्बास भाई, अभी हम जा रहे हैं स्काई व्यू की तरफ। ये है टिकट, 3 लाख BND पर टिकट है, जो कि करीबन 1000 रुपया अपना इंडियन बनते हैं, अराउंड 1000 बनते हैं। यहाँ पे हमको 3 फ्लोर एक्सेस करने को मिलेंगे। फर्स्ट हम जाएंगे 79 फ्लोर। अभी हम 79 फ्लोर पहले जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे अभी पूरा हो ची मिन्ह सिटी आपको नीचे नज़र आएगा। ये हो ची मिन्ह सिटी का नज़ारा। हो ची मिन्ह सिटी जो है, ये बहुत ही बड़ा शहर है और एकदम पॉपुलेटेड सिटी है वियतनाम का। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वियतनाम का ही रहते हैं। और ये सिटी बहुत ही पुराना शहर है, इसका पहले नाम था शियागोन करके, लेकिन जब अमेरिका का साथ इसका वॉर हुआ था, इसको उसमें जब आज़ादी मिली, मतलब इन्होंने जैसे जीत हासिल की, उसके बाद हो ची मिन्ह जो था वो आपका वियतनाम का फर्स्ट प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह, उनका नाम से ये शहर का नाम शियागोन से हो ची मिन्ह सिटी बना। ये हो ची मिन्ह सिटी जो है, ये वियतनाम का एकदम साउथ में है। हम लोग जो गए थे हैनोई, जो कि वियतनाम का कैपिटल है, वो आपका है एकदम नॉर्थ में। उसके बाद हम लोग जो गए थे दानांग, दानांग है एकदम सेंट्रल वियतनाम में। अभी हम लोग हैं साउथ वियतनाम। तो अमेरिका का साथ जो लड़ाई हुआ था, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई जगह हुआ था, वो था साउथ वियतनाम। तो इसी जगह से ही ये हो ची मिन्ह भी आते थे, उनका शहर था, और उन्हीं का ही नाम से एक शहर का भी नाम रखा गया है। हो ची मिन्ह सिटी जो है, इसे एक नदी से भरा शहर भी बोला जाता है। इसका हर तरफ आप जाओगे, आपको नदी मिलेगा, और इसमें रॉकयार्ड वगैरह भी बहुत बड़ा है, और नदी तो बहुत सारा, आप जिस तरफ देखोगे उस तरफ आपको नदी मिलेगा। अभी हम लैंडमार्क 81 का 79 फ्लोर में हैं, इसका बाद फिर हम दूसरा, इसका 3 स्टॉपेज देता है 3 फ्लोर। अभी कौन सा फ्लोर उतना तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं है। अभी हम 79 में हैं,
उसका बाद पूरे हम जहाँ जाएंगे आपको बताते हैं। ये रूफटॉप में है आपका 79 फ्लोर में ही एक स्काई बार टाइप का बना हुआ है। अगर आप चाहे तो यहाँ सी फूड वगैरह और कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आपका बना हुआ है पूरा जापानीज टाइप, पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है। आप पहले से भी टेबल बुक करा सकते हैं और ऐसे अभी तो खाली था तब ऐसे भी कर सकते हैं। दूर दूर तक फैला हुआ हो चुकी सिटी। इसका 81 फ्लोर में भी एक जापानी रेस्टोरेंट बना हुआ है, मिनावाकु प्रीमियम जो रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसको भी आप पहले से बुक कर सकता है और फिर यहाँ आके भी आप इसका ले सकते हैं, जो कि एक जापानी रेस्टोरेंट है। हेलो, हेलो सर, यह जापानी फूड यहाँ मिलता है। ये अपना अब्बास भाई ऊपर से जाते हुए, ये हमें पहना दिया है सेफ्टी जैकेट वगैरह, ये सेफ्टी का थ्रू ही आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये पूरा सेफ्टी के बड़े आलम भाई भी आ रहे हैं, यहाँ पूरा ग्लास भी, लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट के बिना आप यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स ग्लास ब्रिज थोड़ा हिलता हुआ, अब्बास भाई थोड़ा डर रहे हैं। कहाँ अब्बास भाई, डर लग रहा है क्या? अब्बास जी देखो, ये देखिए टॉप ऑफ द फ्लोर। अब्बास जी फ्रेंड्स नीचे आप देख रहे हैं, ये जापानी जो रेस्टोरेंट हम लोग अभी गए थे वो रेस्टोरेंट का ये ऊपर से ये थोड़ा सा ग्लास ब्रिज बना हुआ है जो कि सेफ्टी गार्ड के साथ थोड़ा कुछ टाइम के लिए एक्सेस करने देते हैं लोग। इसका जो ऊंचाई है 81 फ्लोर का है अमंग द स्टेयर्स। स्पेशली वही टाइम चूज किए थे कि हम चढ़े दिन में और उतरे रात को, शाम का टाइम अभी हो गया है, अभी थोड़ा देर में पूरा रात हो जाएगा तो हमको लाइटिंग का भी नज़ारा देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए लाइटिंग जलना चालू हो गया है और हमें नज़र भी आ रहा है लाइटिंग का भी। यहाँ पे VR गेमिंग का भी हम मज़ा ले सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम स्काई वॉक से नीचे आ चुके हैं, अभी यहाँ से हम मॉल की तरफ जा रहे हैं। इसके नीचे जो मॉल था पहले हम लोग एंट्रेंस में देखे थे, अभी वही मॉल का थर्ड फ्लोर में है। ये मॉल को हम देखते हुए बाहर निकल जाएंगे। We'll be right back.
फ्रेंड्स, हम अपना लैंडमार्क 81 स्काई व्यू का जो वीडियो था यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अभी भी हम वियतनाम का होचिमिन सिटी में बने हुए हैं। यहाँ पे और भी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए लैंडमार्क 81 स्काई व्यू से बाय बाय।